हमारा ये ब्रह्मांड काफी रहस्यमयी है। इस ब्रह्मांड में कितने ही अनजान खतरे हर समय मौजूद रहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी से लेकर सौर मंडल में इतने ज्यादा पत्थर हर समय घूमते रहते हैं कि अगर कोई गलती से अपना रास्ता भटक कर हमारी पृथ्वी की ओर चला आए तो हमारे अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा सकता है। हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में मौजूद नेचुरल सैटेलाइट्स अपने प्लैनेट का चक्कर लगाती रहती हैं, तो वहीं प्लैनेट हमारे सौर मंडल के तारे सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सूरज स्थिर नहीं है। यह मिल्की वे गैलेक्सी में एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाता रहता है। इसी दौरान ये कई ऐसी खतरनाक जगहों से भी गुजरता है जहाँ पर खतरनाक और पावरफुल सुपरनोवा हो सकते हैं, जो पलक झपकते ही हमारे पूरे सौरमंडल को एक ही झटके में राख बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यदि हमारा सौरमंडल गैलेक्सी में घूमते हुए ऐसी ही किसी खतरनाक जगह पर पहुंच जाता है तो क्या हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं? आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में ये कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या हमारी तकनीकी ऐसी ही किसी परिस्थितियों से हमें बचा सकती है? यदि आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है तो इसका जवाब है हाँ। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी किसी भी सिचुएशन से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है जिसमें हम अपने सूर्य को नियंत्रित करके ऐसी किसी भी सिचुएशन से खुद को बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके लिए हमें अपने सौरमंडल के केंद्र यानी कि सूर्य को नियंत्रित करना होगा और उसकी इस ताकत का उपयोग करके हम एक रॉकेट की तरह सूर्य की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को ही स्टेलर इंजन तकनीकी कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ऐसा इंजन है जिसका निर्माण स्टेलर लेवल पर ही किया जा सकता है। यानी इस तकनीकी की सहायता से किसी रॉकेट को नहीं चलाया जाएगा बल्कि इससे किसी प्लैनेट या फिर कहें कि सूर्य जैसे ही किसी स्टार को अपनी मर्जी से चलाया जा सकता है। स्टेलर इंजन का यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले लियोनिड स्काडोव ने दिया था। इन्होंने ए क्लास के स्टेलर इंजन का ही कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन इस इंजन को कई अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है जिससे इसके अलग अलग प्रकार बन जाते हैं। जैसे जैसे स्टेलर इंजन का प्रकार बदलता जाता है वैसे वैसे इस इंजन का मॉडल और काम करने का तरीका भी बदलता जाता है। आज की इस वीडियो में हम स्टेलर इंजन की क्लास ए के बारे में ही बात करने वाले हैं। यदि हम स्टेलर इंजन के क्लास ए टाइप की बात करें तो यह पूरी तरह से एक रॉकेट की तरह ही काम करता है। यानी इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एक रॉकेट के कॉन्सेप्ट जैसा ही है। जैसे एक रॉकेट को मूव करवाया जाता है ठीक उसी तरह के कॉन्सेप्ट को काम में लेकर सूर्य को भी मूव करवाया जा सकता है। जिस तरह से एक रॉकेट इंजन के थ्रस्ट का उपयोग करके रॉकेट को आगे बढ़ाया जाता है ठीक उसी तरह से सूर्य की एनर्जी को काम में लेकर थ्रस्ट पैदा किया जाता है ताकि सूरज को बड़ी ही आसानी से उस दिशा में मूव करवाया जा सके जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं। सूरज को क्लास ए टाइप के स्टेलर इंजन में बदलने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत ही विशालकाय स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। सूरज के आकार के आधार पर इसका आकार भी काफी विशाल होगा। इस तरह के विशालकाय स्ट्रक्चर को सूर्य के या तो साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल पर इस तरह से सेट किया जाएगा कि वह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की बजाय उस जगह पर पूरी तरह से स्टेबल बना रहे। इस स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए तारे की ही तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। जिस तरह से तारे के अंदर पैदा होने वाली एनर्जी के कारण यह एनर्जी तारे के अंदर की सतह को तेजी से बाहर की तरफ धकेलती है लेकिन फिर भी एक तारे में विस्फोट नहीं होता। इसका कारण है कि जिस तरह से तारे को उसके अंदर की एनर्जी बाहर की तरफ धकेलती है तो वहीं उसका गुरुत्वाकर्षण उसे केंद्र की तरफ खींचने की कोशिश करता है। जब तक ये दोनों पावर बैलेंस रहती हैं, तब तक तारे की स्टेबिलिटी बनी रहती है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके सूर्य के नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर लगाए जाने वाले स्ट्रक्चर को स्टेबल किया जा सकेगा। इस स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए उसके रेडिएशन प्रेशर और गुरुत्वाकर्षण फोर्स का उपयोग किया जाएगा। सूर्य के केंद्र से बाहर की तरफ निकलने वाला रेडिएशन प्रेशर इस स्ट्रक्चर को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स इसे केंद्र की तरफ खींचने की कोशिश करती है जिसके कारण यह सूरज के पोल पर पूरी तरह से स्टेबल बना रहता है। सूर्य की ये दोनों ही फोर्स काफी शक्तिशाली होती है। इस कारण से सूरज के पोल पर लगाए जाने वाले स्ट्रक्चर को काफी हल्का और मजबूत होना चाहिए। इसके लिए इसका निर्माण एल्यूमिनियम अलॉय जैसी धातु से किया जा सकता है।
इस स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि सूर्य के केंद्र से बाहर की तरफ आने वाले रेडिएशन प्रेशर इस शीशे की तरह चमकदार चीज से टकराकर वापस सूर्य की तरफ ही चला जाए, जिससे इतनी ज्यादा फोर्स जनरेट होने लगेगी कि हमारा सूरज तेजी से शीशे की उल्टी दिशा में गति करने लगेगा। इसके लिए बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर को एक कटोरी जैसा नहीं बनाकर चम्मच की ऊपरी सतह जैसा ही बनाया जाना चाहिए। हालांकि यह तरीका सूरज की दिशा को तेजी से नहीं बदलेगा, लेकिन जिस गति से सूर्य अपनी दिशा बदलेगा वह गति हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए काफी है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल ये भी खड़ा हो सकता है कि क्या सूरज के साथ साथ ऐसे स्ट्रक्चर हमें हमारे सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स पर भी लगाने पड़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का करीब 99% मास अकेले सूरज में समाया हुआ है और इसी कारण से इसकी ग्रेविटी काफी पावरफुल है। यह इतनी पावरफुल है कि मरकरी से लेकर नेपच्यून, प्लूटो जैसे प्लैनेट्स भी इसकी इसी ग्रेविटी के कारण इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि सूरज हमारे सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स से लेकर सभी ऑब्जेक्ट्स तक को अपने साथ बांध कर रखता है। इस कारण से जब हम सूरज को स्टेलर इंजन में बदल देते हैं और उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं तो इसके साथ साथ सभी प्लैनेट्स की डायरेक्शन भी बदल जाती है। इसलिए सौरमंडल को किसी भी खतरे से बचाने के लिए हमें सिर्फ सूरज की डायरेक्शन को बदलना ही काफी है। इसी के साथ एक सवाल यह उठता है कि यह स्ट्रक्चर सूर्य की स्पीड को कितनी तेजी से बदल सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब इस स्ट्रक्चर को सूर्य पर लगे करीब 1,00,000 साल का समय गुजर जाएगा तब इसके कारण सूरज पर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि यह सूरज को करीब 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ाने लगेगा। ऐसे ही जब इसे सूर्य पर लगे करीब 1,00,000 साल का समय गुजर जाएगा तब यह सूर्य की स्पीड को करीब 0.03 लाइट ईयर बढ़ा देगा। भले ही यह स्पीड हमें काफी कम लग रही हो लेकिन सूरज जैसे विशालकाय ऑब्जेक्ट के लिए यह काफी बड़ा नंबर है। ऐसे ही 1 अरब साल के बाद यह स्पीड करीब 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ जाएगी। इस दौरान हम आकाशगंगा में करीब 34,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक डायरेक्शन को बदल चुके होंगे और इसका मतलब है कि हम आकाशगंगा का करीब 1/3 हिस्सा पार कर चुके होंगे। ऐसे ही सूर्य को एक स्टेलर इंजन में बदलने का दूसरा तरीका कैप्लन थ्रस्टर है। इसके लिए हमें एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन की आवश्यकता होगी। एक स्पेस स्टेशन को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और सूर्य की डायरेक्शन को बदलने के लिए स्पेस स्टेशन को काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसके लिए स्पेस स्टेशन डायसन स्फीयर की सहायता से एनर्जी प्राप्त करेगा। इससे स्पेस स्टेशन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि स्पेस स्टेशन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। जब यह स्पेस स्टेशन एक तय मात्रा तक सूर्य से एनर्जी प्राप्त कर लेगा तब यह उस एनर्जी को स्पेस में किसी एक पॉइंट की तरफ तेजी से रिलीज करेगा जिसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड का करीब 1% ही होगा। सूर्य से एनर्जी लेने के लिए स्पेस स्टेशन को सूर्य की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होगी। इसके बाद यह सूर्य के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ी गई हाइड्रोजन और हीलियम गैस को वापस स्टेलर इंजन की तरफ खींच लेगा और खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लेगा। लेकिन यह काम जितना आसान लग रहा है दरअसल यह उतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पार्टिकल्स की आवश्यकता होगी। लेकिन सूर्य से इतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पार्टिकल्स रिलीज नहीं होते। ऐसे में हाइड्रोजन और हीलियम पार्टिकल्स की कमी को पूरा करने के लिए डायसन स्फीयर का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए डायसन स्फीयर का उपयोग करके स्पेस स्टेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी को सूर्य के एक ही पॉइंट पर फोकस किया जाएगा जिससे सूर्य की उस जगह से बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पार्टिकल्स रिलीज होंगे और बाहर की तरफ रिलीज हुई उस एनर्जी को स्टेलर इंजन के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा जिससे यह तेजी से काम करने लगेगा और सूर्य की डायरेक्शन बदलने लगेगी। लेकिन इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं स्पेस स्टेशन सूरज की ग्रेविटी फोर्स के कारण उसमें गिर नहीं जाए। इसलिए इसके अपोजिट साइड में एक पावरफुल जेट की आवश्यकता होगी जो सूर्य की ग्रेविटी को बैलेंस कर सके और स्पेस स्टेशन को एक ही जगह पर स्टेबल रख सके। हम जानते हैं कि हमारा सूरज हीलियम गैस का एक बहुत ही विशालकाय गुब्बारा है। जब डायसन स्फीयर की मदद से एनर्जी को सूर्य की सतह पर फोकस किया जाएगा तो सूर्य की सतह से तेजी से हाइड्रोजन और हीलियम पार्टिकल्स रिलीज होंगे जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसा करने से क्या सूरज की उम्र कम हो जाएगी क्योंकि इससे हम सूरज से उसकी ऊर्जा का भंडार तेजी से बाहर अंतरिक्ष में रिलीज करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं
कि किसी भी तारे की उम्र उसके पास मौजूद हीलियम भंडार पर डिपेंड करती है। हम ये भी जानते हैं कि जिस तारे के पास जितना बड़ा हीलियम गैस का भंडार होगा उस तारे की उम्र उतनी ही ज्यादा कम होगी। इसलिए जब हम डायसन स्पीयर की मदद से तेजी से सूर्य की सतह से हीलियम और हाइड्रोजन पार्टिकल्स को रिलीज करने की कोशिश करेंगे तो इससे उसके ऊर्जा भंडार में कमी होगी और इस कारण से सूरज की उम्र कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। इस तरह से हम सूरज को ही एक स्टारशिप में बदलकर पूरे सौरमंडल की डायरेक्शन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और पृथ्वी को मिल्की वे गैलेक्सी के खतरों से बचा सकते हैं। भले ही स्टेलर इंजन का यह कॉन्सेप्ट काफी मजेदार और रोचक है, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सूरज जैसे बड़े विशालकाय ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें भी काफी विशालकाय स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और यह स्ट्रक्चर हमारी धरती से काफी बड़ा हो सकता है, जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल नजर आता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।